स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जैम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि अभी आप लोग ग्रेजुएशन में है, सेमेस्टर 4 में है, बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन दे चुके हैं, बहुत से लोग हो सकता है ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ही ले रहे हो, तो आईआईटी जैम के बारे में सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब ग्रेजुएशन को पास आउट करते हैं तब जाकर के आईआईटी जैम के बारे में पता चलता है। स्टूडेंट, आईआईटी जैम के बारे में चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं इसके बारे में। आप सबको याद होगा इसका आईआईटी जेई, याद है क्या? आईआईटी जेई, फिर नीट वगैरह जो होता था, नीट को हटाइए, आईआईटी जेई के बारे में याद करिए। याद है ये क्या था कि 12th के बाद ये एग्जाम होता था, किस लिए? तो आप आईआईटी से जाकर के डिप्लोमा वगैरह करने के लिए, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, है ना? तो जिस तरीके से ये आईआईटी जेई होता है, आईआईटी जेई किस लिए होता है? एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, किस चीज के लिए? कि भाई आप आईआईटी से डिप्लोमा वगैरह जाकर के, डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी कोर्सेस वगैरह है तो जाकर के वहां से आप आईआईटी से जाकर के कर पाए। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम ये भी होता है, आईआईटी जैम, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम्स है ना? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आईआईटी क्या है, कह सकते हैं कि आईआईटी जैम जो है एक एंट्रेंस एग्जाम है, किस चीज के लिए? तो भाई आईआईटी से एमएससी करने के लिए, जिस तरीके से ये आईआईटी जेई क्या था, आईआईटी से डिप्लोमा करने के लिए एक एग्जाम था, कि भाई आप 12th के बाद इस एग्जाम को देते थे, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम रैंक अच्छा आता है तो आप आईआईटी से डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट आईआईटी जेम क्या है, ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आईआईटी ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और कब कंडक्ट करवाता है इसको, इस एग्जाम को आप कब दे सकते हैं? तो ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मतलब बीएससी जो अभी आप कर रहे हैं, इसके जैसे ही खत्म होता है, ये जैसे ही कंप्लीट होता है आपका, तभी आप एग्जाम अपेयरिंग में, लास्ट लास्ट सेमेस्टर में अपेयरिंग में फॉर्म भरिए, और आपके एग्जाम खत्म, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद रैंक निकलता है। ठीक है, अपने ही बहुत सारे स्टूडेंट, इस बार भी 3-4 स्टूडेंट अपना ज्वाइन किया आईआईटी, कुछ लोग इंटीग्रेटेड पीएचडी से ज्वाइन किए हैं, फिर पिछले सेशन में भी बहुत सारे बच्चे आईआईटी निकाले हैं, आईआईटी जैम, कुछ लोग आईआईटी गांधीनगर में है, फिर एक कौन बेंगलुरु करके है, आईसी इस तरीके से करके कुछ है, वहां पे इस बार भी 2-3 स्टूडेंट गए हैं। तो आईआईटी जैम का जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है, इससे फायदा क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स है आईआईटी, देखिए अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के थोड़ी देर के लिए, कि मान लीजिए कि आपका, आपने जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है बीएससी में, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स में मान लीजिए जो भी आपने एडमिशन लिया है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बीएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है, तब आप क्या करिएगा? अगर बीएससी आपका कंप्लीट हो जाता है तब क्या करेंगे? तो हो सकता है कि आप एमएससी के रास्ते को चुने, कि आप बीबीएम के उस एमएससी कर ले, वीवीयू से कर ले, रांची यूनिवर्सिटी से कर ले, झारखंड के आसपास से कर ले, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करिए, और आईआईटी जैम के थ्रू जाकर के आप किसी आईआईटी से एमएससी करिए। आईआईटी से एमएससी करने का फायदा क्या होता है, और यहाँ से एमएससी करने का लॉसेस क्या है, जरा समझिए, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए जैसे मान लिया जाए कि आप झारखंड से एमएससी करते हैं, जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं, कि आईआईटी जैम वगैरह के एग्जाम जो लोग नहीं दिए हैं तो यहीं से एमएससी करते हैं, तो क्या होगा कि जैसे सीधा सीधा जैसे आप बीएससी कर रहे हैं तो उस तरीके से यहीं के कॉलेज से एमएससी करेंगे, कोई कहीं पे भी आपको जैसे नॉर्मल डिग्री हो रहा होता था वैसे ही डिग्री होगा, कोई आपको अच्छा इन्वायरमेंट देख ही रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या है, कोई बहुत अच्छे क्लासेस वगैरह हो सब आप लोग देख रहे हैं, फिर कोई प्लेसमेंट कि भाई आईआईटी या बीएससी या एमएससी कर रहे हैं, नो प्लेसमेंट, कुछ नहीं, आप यहाँ पे बस करते जाइए। और लेकिन यही चीज अगर आप आईआईटी से आईआईटी जैम निकालने के बाद एमएससी करते हैं किसी आईआईटी के कॉलेजेस से, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का एक ग्रुप होता है, उसके बाद बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छा सराउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एमएससी कंप्लीट होते होते बहुत सारे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह भी वहाँ पे होते हैं, है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा, लगभग जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं सब स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक आगो प्लेसमेंट जरूर मिला रहता होता है, समझे? हाँ, थोड़ा कम का, थोड़ा ज्यादा का, लेकिन प्लेसमेंट का वहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, एमएससी से प्लेसमेंट, समझ रहे हैं आप, डिप्लोमा का बात नहीं कर रहे, डिप्लोमा बीटेक नहीं बात कर रहे हैं, एमएससी मास्टर्स से अगर आप आईआईटी जैम के थ्रू जाते हैं, किसी आईआईटी से एमएससी करते हैं, तो एमएससी के थ्रू भी छोटे छोटे कंपनियां जो हैं, बहुत सारे कंपनी जो हैं एमएससी वाले स्टूडेंट को भी प्लेसमेंट करता है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा कि आपके पास एक टैग मिल जाता है, मान लीजिए आप आईआईटी 12th के बाद आईआईटी जाने का बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, वहां पे आप अगर उस सपने को छोड़ करके आए हैं तो आपके पास एक और अच्छा मौका है यहाँ पे भी निकालने का, आईआईटी जैम निकाल लीजिए और फिर बहुत अच्छे तरीके से आईआईटी से पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए स्टूडेंट कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, सबसे बुरा क्या होगा कि आईआईटी से एमएससी करने गए, एमएससी के दौरान आपको मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं मिला, मान लीजिए सबसे बुरा यही ना होगा कि प्लेसमेंट नहीं मिला, तो मान लीजिए प्लेसमेंट आपको नहीं मिला आईआईटी में,
तो उसके बाद क्या मिलेगा, एमएससी जैसे डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक बहुत बढ़िया सा टैग होगा कि आप आईआईटी से एमएससी करा है आपने। तो कहीं भी आप अपने डिग्री को अगर शो करते हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाता है कि हाँ भाई आप आईआईटीज वाले हैं, आईआईटी से एमएससी। तो बड़ा एक जीवन में बहुत बड़ा टैग लग जाता है, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है हर जगह के लिए। ठीक है, तो आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करके जा सकते हैं आईआईटी से एमएससी करने के लिए। बात समझे, जिस तरीके से ये था आईआईटी में जाकर डिप्लोमा करने के लिए, उस तरीके से ये क्या है, आईआईटी में जाकर के एमएससी, बीएससी के बाद जो होता है एम.एससी, है ना, एमएससी करने के लिए ये है। और ध्यान दीजिएगा, आईआईटी जैम को अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधे से जाके एमएससी करिए, चाहे एमएससी के साथ साथ ही पीएचडी होता है ना, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट, पीएचडी रिसर्चर जो होता है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है इसी एग्जाम के थ्रू। अगर आप चाहें तो मान लीजिए कि आप एमएससी करना तो एमएससी करिए, अगर रैंकिंग में काउंसलिंग में अगर आपको मिल रहा है एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएससी पीएचडी दोनों साथ में, तो वो कर लीजिए। तो इस बार एक स्टूडेंट है जो दोनों इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट डीएमए का स्टूडेंट है। उम्मीद है स्टूडेंट आईआईटी जैम के बारे में जानकारी लगा। हाँ, लेकिन और भी बहुत सारा बात है जी, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हो जो घर से दूर जा करके पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में थोड़ा काम करते हैं, उनसे घर को हेल्प मिलता है, अगर वो चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, आप जहाँ से भी कर रहे हैं एमएससी, मान लीजिए आप एमएससी कर रहे हैं झारखंड से कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं, कई लोकल यूनिवर्सिटीज से कर रहे हैं, डिग्री का वैल्यू सेम रहता है, बस वो जो टैग हो गया आईआईटीज का, ये बेनिफिट है। प्लेसमेंट जो है वो उधर बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स आईआईटी में तो है बहुत, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप इधर से एमएससी करते हैं तो पूरा बेरोजगार है आप, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत मेहनत करिए, यहाँ पे भी सही है। उम्मीद है कि आपको आईआईटी जैम के बारे में जानकारी हुआ होगा। अभी कुछ रह गया है तो पूछिए आप हमसे कमेंट में। चलिए, देखिए किरण कुमारी अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो चार ईयर का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको एक ईयर का मास्टर्स करना होगा। देखिए ये अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अभी जो चार साल का ग्रेजुएशन है ना स्टूडेंट, आप लोग को शायद ये पूरा जानकारी नहीं है कि आप जो चार साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं है, इसमें इसमें दो पार्ट है। एक जो है आपका थ्री ईयर का ग्रेजुएशन है और एक ईयर का आप इसमें कह सकते हैं रिसर्चर है, मिनी रिसर्च। आप ये फोर ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ना, जिस तरीके से भी हम बता रहे थे कि आईआईटीज के थ्रू एमएससी प्लस पीएचडी होता था, तो वही आपका हो रहा है। बीएससी प्लस पीएचडी तो नहीं बोल सकते इसको, मिनी रिसर्च बोल सकते कि एक रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर वही जो पीएचडी वाले करते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे हैं पीएचडी में, तो वही रिसर्च है यहाँ पे, समझे बात। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप चाहें, आपको लगता है कि नहीं हम तीन साल में छोड़ना चाहते ग्रेजुएशन, तो आप तीन साल में भी छोड़ सकते हैं। अभी चूंकि अभी अभी आप लोग शुरू किए हैं, एक भी सेशन हुआ नहीं FIUGP में, तो आपको जानकारी नहीं है, तो ये है। तो हालांकि हम चाहेंगे कि आप लोग रिसर्च भी कर लीजिए, कि एक साल जैसे इधर रिसर्च कर लेते हैं तब जाकर के आपका, मतलब चार साल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर के आपका मास्टर्स अभी तक जैसा बताया गया है कि एक साल का होगा, समझे। चलिए और कोई सवाल है पूछिए। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट है आईआईटी जैम से रिलेटेड पूछिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं अभी भी जो न्यू एडमिशन लिए हैं ग्रेजुएशन में, उन लोगों को पता ही नहीं हो पाता है। तो ये उन बच्चों के लिए भी है कि जो अभी अभी मान लीजिए सेमेस्टर वन में एडमिशन लिए ग्रेजुएशन में बीएससी में, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि हम शुरू से ही अगर थोड़ा सा मेहनत करते जाए इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आराम से निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास टेंथ के बच्चों को, क्लास टेंथ के बच्चा को शुरू में ही बता दिया जाए कि जैसे टेंथ में गया बच्चा तभी बता दिया जाए पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में, तो अगर शुरू से ही उसको ध्यान रख करके हर चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, अच्छा जी इसको ऐसे ऐसे ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, तो आराम से पॉलिटेक्निक निकल जाएगी एक बार में और अच्छा रैंक के साथ। उसी तरीके से हर एक बीएससी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, मार्क्स का तो क्राइटेरिया है ही। मान लीजिए कि अब कोई बच्चा आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई कर गया और ग्रेजुएशन में लाए हैं 40%, 40% हालांकि मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में पास करने के लिए। जैसे 11-12 में क्या होता था कि 100 में 33 लाना होता था, वहां पे 33% क्राइटेरिया होता था, 100 में 33 लाना होता था पास के लिए। पर ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होता है, 100 में 40 लाना होता है। ग्रेजुएशन का यूजीसी का जो गाइडलाइन है 40% पासिंग मार्क्स होता है, तो पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए
और पिछले जो सेशन में था आईआईटी जैम का जो क्राइटेरिया था उसमें शायद था 55% आपको ग्रेजुएशन में एटलीस्ट होना चाहिए। और ऑब्वियस है भाई कि कोई बच्चा अगर आईआईटी जैम निकाल रहा है उसका 55% नहीं है, मतलब वो चोरी करके निकाला है। हालांकि चोरी नहीं होता है इसमें, आईआईटी जेई की जैसा ही ये टफेस्ट एग्जाम होता है। टफेस्ट क्या मतलब, बहुत सिक्योरिटी के साथ, है ना। इसमें कंपटीशन बहुत कम है। एक स्टूडेंट अभी सिर्फ 22 मार्क्स लाए और उनके सिलेक्शन हो गया। एक इसी बार शायद कोई 41 या 42 मार्क्स लाए हैं और रैंक वन आया है उनका, इस तरीके से है, ऑल इंडिया रैंक वन। चलिए, तो उम्मीद आप सबको आइडिया लगाओ, जो भी डाउट्स रह गया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।